जयपुर के सांगानेर स्थित इंटरनेशनल एयरपोर्ट टर्मिनल एक पूरी तरह से तैयार हो चुका है। जल्द जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्रबंधन जयपुर जिले के दूदू तहसील के बिचून में हरियाली विकसित करेगा। इस पहल का मुख्य उद्देश्य टर्मिनल एक में विमानों के लिए नया एप्रन एरिया तैयार करना और चरणबद्ध तरीके से इसकी परिचालन तत्परता सुनिश्चित करना है। इसके तहत यहां सांगानेर सर्किल स्थित टर्मिनल के पास आवासीय कॉलोनियों को भी हटाया जा रहा है। साथ ही यहां की हरियाली को नुकसान से बचाने के लिए एक कवायद शुरू हो चुकी है। वन भूमि में 4400 नए पेड़ लगाए जाएंगे। स्थानीय प्रशासन 5 वर्षों तक इन पेड़ों की देखभाल करेगा, जिसका खर्च JIAL उठाएगा। ये पूरी प्रक्रिया जिला प्रशासन और संबंधित सरकारी विभाग के निर्देश पर आरंभ की जा रही है। पहले चरण में यहां 9 एकड़ भूमि में एप्रन एरिया का निर्माण शामिल है, जो पहले एयरपोर्ट अथॉरिटी के कर्मचारियों के लिए आवासीय कॉलोनी थी। रियायत समझौते के अनुसार कॉलोनी के खाली कराया जाएगा। कुछ पेड़ों को यहां से नष्ट भी किया गया है। जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे टर्मिनल एक का कार्य पूरा हो चुका है, जिसको लेकर यहां पर कुछ पेड़ों को यहां से नष्ट भी किया गया है। जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा टर्मिनल एक तैयार हो गया है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता हर्षित हमारे साथ जुड़ गए हैं। जयपुर इंटरनेशनल टर्मिनल एक तैयार हो गया है, क्या कुछ कवायद वहां पर की गई है, कैसी वहां पर व्यवस्थाएं और आगे की जाएंगी? कंपनी काउंटर की खुलना शुरू हो चुके हैं। आगामी दिनों की बात की जाए तो यहां पर बसी आवासीय कॉलोनी के क्षेत्र को पूरी तरीके से खाली करवाकर नया एप्रन एरिया बनाया जा रहा है, ताकि विमानों को सुगमता से यहाँ पे संचालन हो सके। इसके लिए यहाँ पे हरियाली को कुछ समय के लिए खत्म कर यहाँ पर निर्माण कार्य आगामी दिनों में प्रभावी किया जाएगा। जी, हरियाली को लेकर क्या कुछ प्लानिंग की गई है एयरपोर्ट द्वारा? 8 बीघे जमीन पर बची आवासीय कॉलोनी को हटाने के लिए यहाँ पे कुछ पेड़ों को भी हटाया जा रहा है। इसके बदले एयरपोर्ट प्रबंधन की ओर से 7 गुना पेड़ यानी कि हरियाली को विकसित कर दूर के बिटुल गांव में 4000 से अधिक पेड़ लगाए जाएंगे। कॉलोनी से कितने जो मकान है उनको हटाया गया है, इससे प्रभावित जो लोग हैं वो कितने प्रभावित होंगे? एयरपोर्ट प्रबंधन के मुताबिक बात की जाए तो यहाँ पे लगभग 400 से अधिक फ्लैट बनाए गए थे, जिनको पूरी तरीके से यहाँ पर अब जमीन दोष किया गया है। इसके चलते यहाँ पर एयरपोर्ट फ्लाइट प्रबंधन की ओर से नया एप्रन एरिया बनाया गया। जी, क्या 1000 पेड़ों की भी कटाइयां होंगी, उसको लेकर क्या कुछ प्लान तैयार किया गया है? जी बिल्कुल, एयरपोर्ट प्रबंधन के मुताबिक यहाँ पे 1100 से 1200 बड़े पेड़ थे, जिनको यहाँ पे पूरी तरीके से हटाया गया है। वहीं कुछ पेड़ों को अलग अलग जगहों पर शिफ्ट किया गया है। वहीं इसके बदले 4000 पेड़ बुटन गांव में लगाए जाएंगे। इसके लिए वन विभाग की ओर से तमाम महकमों की ओर से मंजूरी भी मिल रही है। जी, और क्या कुछ सुविधा विस्तार एयरपोर्ट पर किया जा रहा है? टर्मिनल एक की बात की जाए तो यहाँ पर पूरी तरीके से अंतर्राष्ट्रीय विमानों का संचालन किया जाएगा। प्रबंधन के मुताबिक 20 से अधिक जगहों के लिए यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें मिल सकेगी। तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।